हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अवनीन गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत हटके चीज़ लेकर आया हूँ जो इंडिया मार्केट में नहीं मिलती है। वो मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, पहले भी जब मैं छोटा हुआ करता जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं मूवियाँ देखता था और टीवी सीरियल देखता था। उसमें क्या होता था कि राइनोप्लास्टी के बारे में आप देखोगे कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस या बॉलीवुड में या कहीं भी आपको देखा होगा कि लोग नोज़ को रीशेप कराते हैं, सर्जरी कराते हैं और नाक को अपनी पतली लंबी मोटी है तो उसको शेप देना, ये सब कराते हैं। और मैं भी सोचता था कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी अपनी नाक की सर्जरी कराऊंगा क्योंकि थोड़ी नाक मुझे मोटी लगती है। यार इतनी मोटी तो नहीं है वैसे, मगर हाँ जिनकी नाक छोटी थी, दबी हुई नाक है या फैली हुई नाक है और कोई भी नाक में इशू है, नोज़ में इशू है, जिनको अपनी नाक पसंद नहीं है, तो उनको उनके लिए आप कहीं भी आप जाओगे, आपने कहीं भी किसी भी डॉक्टर दिखाओगे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि राइनोप्लास्टी कराइए, विच इज़ अ नोज़ रीशेपिंग सर्जरी, जिसमें नाक के अंदर इम्प्लांट डालते हैं, यहाँ पे हल्का सा कट करके नोज़ के अंदर से यहाँ से अप करके ऐसा करके और फिर उसके अंदर इम्प्लांट फिक्स कर दिया जाता है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, परमानेंट होता है, सब सिलिकन इम्प्लांट जो फिक्स कर दिया जाता है और वो उसको शेप दे देता है। मगर फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, शौक तो मुझे बहुत सारे थे कि मैं ये भी कराऊंगा वो भी कराऊंगा, बट सर्जरी के नाम पर हर कोई डर जाता है। आप भी डरते होंगे सर्जरी के नाम पे। अगर आपने मेरे ख्याल से 100 में से 50 लोग हैं जो सर्जरी के नाम पे डर जाते हैं और जिनको अपनी नाक भी सीधी करानी है। बहुत सारे लोग हैं, नोज ऐसी कॉमन चीज़ हो चुकी है कि लोगों को पसंद ही नहीं आती, अपनी अच्छी भी होगी तो भी पसंद नहीं आएगी, कहीं ना कहीं लिप्स और नोज तो ऐसा हो गया कि भैया उनको चेंज करना है। खासकर प्लास्टिक सर्जरी जिनको कॉस्मेटिक जो मॉडल होते हैं एक्टर होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा वो लोग ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, जो लोग नहीं है वो तो नहीं सोचेंगे। बट बहुत सारी लड़कियां भी मेरे पास आती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, वो सोचते हैं कि सर मेरी शादी होने वाली, मुझे नाक से इशू है, मुझे नाक मोटी है या मेरी नाक दबी हुई है, हम क्या करें। मैं बता दूं, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, वो करो। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनके मम्मी पापा डर जाते हैं कि सर्जरी हम नहीं कराएंगे, तो पेशेंट चला जाता है घर। अब ऐसे पेशेंटों के लिए जो सर्जरी से डरते हैं या जिनको नहीं करानी है कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ भी, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। दिस इज नॉन सर्जिकल नोज पुटी। ये नॉन सर्जिकली आपकी नोज को शेपअप देगा, लाइक राइनोप्लास्टी में हम इम्प्लांट फिक्स करते हैं सर्जरी करके, ये आपको विदाउट सर्जरी आपकी नोज को शेप देगा। कैसे देगा आप देखिए, इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से इसमें ये इम्प्लांट्स टाइप के हैं जो आपकी नोज़ के अंदर सेट करना है आपको। मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, बट मेरी नोज़ ऑलरेडी पतली है, लंबी है, तो वो कुछ फ़र्क आएगा नहीं उनके लिए। ये नाक मोटी है, दबी हुई है, उनके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके का ये इम्प्लांट होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो आपको नॉन सर्जिकली, जब भी आपको कहीं पार्टी में जाना है या आपको कोई मॉडल, अगर आप एक्टर या मॉडल हैं, आपको किसी ऑडिशन में जाना है या आपकी कोई फिल्म शूट होने वाली है या आपको लड़के देखने आने वाले हैं या किसी आपको किटी पार्टी में जाना है या आपको कहीं भी ओकेशन में आपकी बहन की शादी, भाई की शादी या आपकी खुद की शादी है और आप चाहते हो कि मेरी नोज थोड़ा शेप अप हो जाए, थोड़ा उसमें लुक आ जाए अच्छा, तो इस तरीके का इम्प्लांट आता है। ये इम्प्लांट आपको उसको नोज के अंदर ऐसे फिक्स करना है, अंदर डाल लेना है, डाल लेंगे तो ये सेट हो जाएगा और ये नोज को लंबा कर देगा, तो खींच देगा ऐसा, ये खींच देगा। तो ये मार्केट में एकदम नया है, विच इज़ नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी नोज पुटी नाम से। ये आपको www.lescomic.com पे मिल जाएगा और मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, 2500 का आता है और एक बार ले लोगे तो अभी लाइफ लॉन्ग चलेगा, मतलब जब तक आप उसको खो नहीं दोगे, ये आप इसको गिरा दोगे खो जाएगा तो बात अलग है, खो जाएगा तो। बट इसमें बहुत सारे आते हैं और इसमें हर साइज़ का आता है, आपको ज़्यादा बड़ा करना है छोटा करना है तो बहुत सारे इम्प्लांट्स हैं, आप अलग अलग शेप के अपने उसमें लिखा भी स्मॉल है लार्ज है सब लिखा हुआ है, आप उसको नाक के अंदर फिक्स कर सकते हो। तो ये बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल आप घर में 2-3 लोग हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे ख्याल 2500 का आता है और ये इसमें पूरा तरीका दिया हुआ किस तरीके का ये हो जाता है। ये देखो यहाँ पे नहीं फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है तो ये उठा देता है, इस टाइप का नोज को शेप दे देता है, उठा देता है इस तरीके का। इसको निकालने के लिए बाद में जब आपको निकालना है तो उसको निकालने के लिए भी ये दिया हुआ एलिमेंट आप इसको ऐसा करके खींच के बाहर निकाल सकते हो, बस बहुत सिंपल है, जस्ट आपको लगा के फिक्स करना है। तो ऐसे लोग जिनको राइनोप्लास्टी के नाम पे डरते हैं और जो रिस्क नहीं लेना चाहते सर्जरी का, उनके लिए नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी विच इज़ अ नोज पुटी, मैजिक नोज पुटी, ये आप परचेस कर सकते हो www.lescomic.com पे। वहाँ पे जाइए फट से ऑर्डर करिए और अपनी नाक को शेप दे दीजिए।
और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी आईडी है डॉक्टर अवनीन गुप्ता इंस्टाग्राम की, आप वहाँ पे आइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट है वहाँ पे आके बताऊँगा आपको। बस उसको ज़्यादा यूज़ करो यार, मतलब बहुत लोगों के शौक होते हैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने के, बट बिकॉज डर के कारण एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते अपनी बॉडी के साथ। तो ये नॉन सर्जिकल है तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि राइनोप्लास्टी कराएंगे सर्जरी तो कम से कम 40 से 50 हज़ार की होगी, और ये 3,500 या 4,000 समथिंग का है, तो मेगा 2,500 या 3,000 का समथिंग का है। तो इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो और ये हमेशा के लिए हो जाएगा आपका। जब भी आपको लगे कि कहीं मुझे ओकेशन में जाना है तब इसको अप्लाई करो, फिर निकालो। लाइक मेकअप, आपने मेकअप किया, आपने अच्छा, आपने कोई भी प्रॉब्लम उसको छुपा दिया, उसी में आपकी नोज़ को शेप देना है, तो आप इसको अप्लाई करिए, अपने शेप दो, और जब काम खत्म हो गया तो उसको निकाल के क्लीन करके रख दो। सिंपल है यार। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जाइए फटाफट letscomic.com पे, वहाँ पे जाइए, इसको परचेस करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि किस तरीके आपके नोज़ को शेप मिला, और इंस्टाग्राम पे भी जाके अपनी फोटो भेजिएगा बिफोर आफ्टर की, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। चलो बाय।